أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم My dear students, Yasin Ahmed Mina here. Today's topic is about T-distribution and T-test, reasoning and procedure. And before starting this particular slide, let me start telling you a story of a person who was an Englishman and his name was William Seeley Gossett. ये नाम अपने पास लिख लें, विलियम सीली गॉसेट। ये इंग्लिश स्टैटिस्टिशियन था। ही बॉर्न इन 19th सेंचुरी, उसके एंड में ये पैदा हुए, 1876 गालिबन, और 1906 में इन्होंने पीएचडी कर लिया था स्टैटिस्टिक्स में। और उसके बाद फौरन ही वाज एसोसिएटेड विद हिज फ्रेंड्स ब्रीवरी, ब्रीविंग प्लांट था गिनीज ब्रीवरी के नाम से। तो वहाँ पर हेड ट्रायल टेस्टर जो है ना, वो उनके उनका अपॉइंटमेंट हुआ और उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन शुरू की। ब्रीविंग कंपनी, यकीनन ये कोई ढगी छुपी बात नहीं, वो शराब बनाती थी और शराब में बारले के डिफरेंट सैंपल्स होते हैं, उन सैंपल्स की टेस्टिंग जो है वो करनी पड़ती थी। जाहिर है वो ह्यूमन सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं कि जो बता सकें टेस्ट करके कि कौन सी शराब अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है। और चूंकि बड़ी महंगी शराबें होती थी, लिहाजा सैंपल जो है वो ज़्यादा बड़ा हो नहीं सकता था। तो इसी वजह से छोटे छोटे सैंपल्स पे टेस्ट कर करके विलियम सीली गॉसेट ने फाइनली एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स का आगाज़ किया। लेकिन उसे क्या प्रॉब्लम दरपेश आई, वो प्रॉब्लम जो है वो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टी टेस्ट। तो इसके लिए ऑब्वियसली कि अगर कोई भी टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं कोई ना कोई टेस्ट केस लेकर चलता हूँ। तो टेस्ट केस से पहले मैं एक बात बता दूँ, वो ये है कि हम जी टेस्ट के अंदर सिग्मा को यूज़ करते रहें। एज यू ऑल नो कि सिग्मा जो है वो तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे आ जाता है, तो बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ अ लार्जर सैंपल, दैट इज इफ सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30, तो हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 के ऊपर हम जी टेस्ट अप्लाई कर देते हैं। लेकिन ये जो विलियम सीली गॉसेट था, इसके पास 30 सैंपल्स के लिए इतनी समझने की गुंजाइश नहीं थी, और हो सकता है कुछ और रिस्ट्रिक्शंस हों मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये ज़रूर है कि उसके पास सैंपल साइज छोटे होते थे, 4, 5 या 6 के, जिस तरह मैंने अभी अभी आपके सामने एक अदद एग्जाम्पल कोट किए एक स्टोर की, और उसके अंदर एक शेल्फ है, शेल्फ के अंदर 5 वैल्यूज इन्वेंट्री की रहती हैं हर वक्त, और उसमें जो मंथ वाइज इन्वेंट्री है वो कुछ इस तरह से इस तरतीब में। अब सिंस यू आर हैविंग ओनली 5 वैल्यूज, तो अब हम क्या करेंगे, सिग्मा तो यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हम। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोसीड करें, और वो विलियम सीली गॉसेट वाली कहानी अभी अधूरी रह गई है तो वो भी कंप्लीट करनी है मुझे, आप लोग उस वक्त तक इन 5 वैल्यूज का मीन और सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर लें। चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर लें ताकि आपको इसके ऊपर ग्रिप मजबूत हो जाए कि आप इसके कॉन्फिडेंटली मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। यकीनन आप लोगों ने मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर लिया होगा। सैंपल साइज लेस देन 30 है, सिग्मा इज अननोन है, तो ऑटोमेटिकली हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी कोई और डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ये टेस्ट नहीं हो सकता। इसका एवरेज का टेस्ट अगर मैं करने जाऊं तो वो मीन का टेस्ट नॉर्मल के थ्रू नहीं हो सकता। याद रखें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जी टेस्ट वन सिंगल एवरेज में उसी वक्त हो सकता है जब हमारा सैंपल साइज मोर देन और इक्वल्स टू 30 हो। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने सैंपल मीन और सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर लिया, रिस्पेक्टिवली एक्स बार 61.4 और S, which is the sample standard deviation, is equals to 13.13. If you are getting different answer, तो आप इसमें चेक कर लीजिएगा आप लोगों ने जो standard deviation निकाला है वो sigma n से निकाला है या sigma n minus 1 से, और कुछ calculators के अंदर sigma x और sx लिखा हुआ होता है, तो sx यानी sample standard deviation consider करना है यहाँ पर। तो अब ये sample standard deviation, गोया हमें इस वक्त sigma से s को replace करना है, तो हम सिग्मा यूज नहीं कर सकते, इसे एस ही रहने देंगे हम। तो ऐसी सूरत में क्या है कि बेसिकली हमने एक ट्रुथ को एक अदद गेस के साथ रिप्लेस करने का फैसला कर लिया, और चूंकि हमने ऐसा फैसला कर लिया कि हम एक ट्रुथ को एक गेस से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमें उसकी कोई ना कोई प्राइस पे करनी है। अब आपके ख्याल में वो प्राइस क्या हो सकती है, जाहिर है कि हम जब ट्रुथ को गेस से रिप्लेस करेंगे तो हम इन्वाइट करेंगे नॉइज को सिस्टम के अंदर, और अगर हम डेटा की बात करें तो ये नॉइज जो होती है वो ज्यादातर इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन या वेरिएबिलिटी मेजर की जाती है। अब वेरिएबिलिटी सिस्टम में आ रही है, कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही ये भी एक अलग बहस है, लेकिन ये कंफर्म बात है कि वेरिएबिलिटी सिस्टम के अंदर आ चुकी है।
क्योंकि स्टैंड जो सैंपल है वो हमारा साइज छोटा है, छोटे सैंपल के अंदर पाया जाने वाला जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो ऐसी सूरत में हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए जो कि नॉर्मल जैसी दिखने में हो, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। तो फिर उस वक्त विलियम सीली गॉसेट ने एक अदद डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव की। उसने उस डिस्ट्रीब्यूशन को एक बहुत बड़ा उसका पीडीएफ हो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करता चीज़ों को, मैं आपको ये बता दूंगा, उसने पूरा पीडीएफ ड्राइव किया। उसके बाद उसको प्लॉट करके देखा, जब उसने प्लॉट किया तो पता चला वो बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा था, लेकिन उसमें एक अदद डिफरेंस था कि उसके अंदर ये सलाहियत थी उस डिस्ट्रीब्यूशन में कि वो किसी भी वक्त अपने स्प्रेड को बढ़ाकर ज़्यादा वेरिएशन को ग्रैब करने के काबिल हो जाती थी। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को उसने एक अदद पैरामीटर के साथ कंट्रोल किया, वो पैरामीटर जो है उसको एन माइनस वन यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं, वेयर एन इज नथिंग बट द सैम्पल साइज। अब मैं आपको सबसे पहले तो इस ट्री डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिखा दूं, लेकिन टेबल दिखाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिखने में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी है, लेकिन उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो वेरिएशन को कोप अप कर सकती है। तो दोनों चीजें एक वक्त में पॉसिबल कैसे हैं, तो जरा एक अदद कंपैरिजन मैं आपके सामने शो करने लगा हूं, टी डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सी नाउ यू सॉ दिस कंपैरिजन। अब देखें दो अदद डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ हुई हुई हैं, जिनमें से एक अदद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरी टी डिस्ट्रीब्यूशन है। आप मुझे देखकर बताएंगे इन दोनों में से टी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होनी चाहिए। मैं अब लेजेंड जो है वो शेयर करने लगा हूँ, और से नीचे लेजेंड आ जाएगा, यहाँ पर ये आ गया जनाब। देखें सी हियर, रेड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द ब्लू वन इज द टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें देखें आप, टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर टेल्स जो है वो हैवी हैं, हैवी टेल्स की वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मुकाबले में ज़्यादा वेरिएशन को डिफाइन कर रही है, कवर कर रही है, जो भी आप कहें। इस वक्त सैंपल साइज 3 है। अब अगर आप देखें गौर से, मैं सैंपल साइज को बढ़ाने लगा हूँ, अगर मैं सैंपल साइज को 3 से बढ़ा के सपोज 10 कर दूँ, तो आपकी नज़र यहाँ पर होनी चाहिए। आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर, 3 2 1 0। सी हियर व्हाट इज द डिफरेंस, पहले क्या था, 3 पर ये, 10 पे ये, 3 पे ये, 10 पे ये। तो आपके ख्याल में क्या हो रहा है, यकीनन जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी होती जा रही है। और अगर मैं 30 कर दूं सैंपल साइज और एंटर कर दूं, अब आप देख लें, आप शेर सुना होगा आपने, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदाओ साहेबो मोहताज गनी एक हुए, तेरी दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने शेर कोट कर दिया, उसमें कुछ गलती हो गई है, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, मैं इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं फिर एक दफ़ा दिखा दूँ आपको, जब सैंपल साइज 3 था तो डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल ये थी, जब सैंपल साइज 30 हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल ये हो गई। इससे समझ में क्या आया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं है अगर सैंपल साइज 30 या 30 से अबव हो जाए। अब फर्दर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में